क्रिकेट की दुनिया में डिसीजन देने वाला अंपायर होता है, और जैसा कि क्रिकेट की दुनिया में कई सारे अंपायर होते हैं, उन्हीं अंपायर में से एक अंपायर ऐसे हैं जिनके नाम सचिन को सबसे ज्यादा बार आउट करने का रिकॉर्ड है। ऐसा मैं नहीं बोलता, क्रिकेट के कई लाखों फैंस बोलते हैं, और जिन अंपायर का नाम है स्टीव बकनर। स्टीव बकनर ने कई बार नॉट आउट बल्लेबाज को आउट दिया है, और जो आउट होते हैं उनको स्टीव बकनर नॉट आउट दे देते हैं। स्टीव बकनर ने ऐसा कई बार सचिन तेंदुलकर के साथ किया है। तो चलिए आज आपको स्टीव बकनर के कुछ ऐसे डिसीजन दिखाते हैं। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। नंबर 8, वो होल ऑस्ट्रेलिया के महान लेग स्पिनर शेन वॉन के हाथों में थी। सामने थे वेस्ट इंडीज के थार्थन। शेन वॉन की गेंद ऑफ स्टंप वाली वाइड लाइन के पास गिरती है, और बल्लेबाज जानते थे कि इस गेंद पर LBW आउट नहीं हो सकते, तो वो अपनी लात से गेंद को रोक देते हैं। बल्लेबाज ने जानबूझकर बॉल को पैर से रोकने की कोशिश की थी क्योंकि बॉल आउटसाइड ऑफ द स्टंप थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी तब भी अपील करते हैं और अंपायर स्टीव बकनर अपनी उंगली खड़ी कर देते हैं। बल्लेबाज की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, और तो और कमेंटेटर्स और दर्शक भी हैरान थे, लेकिन एक अपनी आंखें बंद करके फैसला दे रहा था, और वो है स्टीव बकनर। आइए आगे बढ़ते हैं, इनसे भी हैरान करके रख देने वाले मूवमेंट्स हैं। नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान की टीम को मुश्किलों में डाला हुआ था। पाकिस्तान का एक विकेट और गिरता तो पाकिस्तान की बैटिंग का जिम्मा को ही नहीं उठा पाता, लेकिन जाने माने अंपायर स्टीव बकनर ने ऐसा नहीं होने दिया। शेन वॉन की एक शानदार बॉल सीधा पाकिस्तान के बल्लेबाज के लातों पे लगती है, जो कि सबको दिखाई दे रहा था कि बैट्समैन क्लियर आउट है, बस देर है तो अंपायर की उंगली उठाने की, और बल्लेबाज पिच से बाहर। लेकिन यहाँ स्टीव बकनर अपनी उंगली बिल्कुल नहीं खड़ी करते, क्योंकि उनकी में उनको लग रहा था कि बैट्समैन नॉट आउट है, और यहाँ तक कि बैट्समैन को भी पता था कि वो आउट है, लेकिन स्टीव बकनर उन्हें नॉट आउट देते हैं। नेक्स्ट, नंबर 6, अब ये मोमेंट है इंग्लैंड और इंडिया के मैच का, जिसमें भारत के 9 बल्लेबाज पहले ही पवेलियन लौट चुके थे। अब इंग्लैंड को इंडिया को ऑल आउट करने के लिए केवल एक ही विकेट चाहिए थी, और विकेट मिल भी गई थी, लेकिन स्टीव बकनर बैट्समैन को नॉट आउट दे देते हैं। अब खुद ही देखिए, बॉल सीधा भारतीय बल्लेबाज के पैड से टकराती है, और वो विकेटों के ठीक सामने है, लेकिन ये केवल कमेंटेटर, दर्शक और गेंदबाज को ही दिखाई दे रहा था। अंपायर स्टीव बकनर को ये नहीं दिखाई देता है, और वो उंगली नहीं दिखाते। लगता है स्टीव बकनर को उंगली दिखाने की आदत नहीं थी, शायद से इसीलिए नहीं दिखाते उंगली। नंबर 5, स्टीव बकनर का ये डिसीजन आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि बेशक उस पल मैदान पर कुछ अद्भुत सा घटा था, लेकिन जिस बंदे ने भी आंखें खोलकर गौर से उस मूवमेंट को देखा वो सच्चाई जानता था। ये दुर्घटना है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मैच की। पिच पर स्पिनर गेंदबाज को हद से ज्यादा टर्न मिल रहा था। साउथ अफ्रीका के एक स्पिनर गेंदबाज की बॉल जैसे ही पिच पर गिरती है, एक लंबा टर्न लेते हुए सीधा स्लिप के फील्डर के हाथों में चले जाती है। साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स अपील करते हैं, और अंपायर स्टीव बकनर बिना सोच विचार के उंगली दिखा देते हैं, और फिर क्या था, बल्लेबाज पवेलियन की ओर चल देते हैं। लेकिन कोई भी इंसान साफ तौर पर देख सकता था कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज के बैट पर तो बॉल लगी ही नहीं है, लेकिन स्टीव बकनर की वजह से उन्हें आउट करार दे दिया जाता है। नंबर 4, भारत के जाने माने विकेट कीपर आप MS धोनी को तो जानते होंगे। वो जब रिव्यू लेते हैं मोस्ट ऑफ द केस अंपायर को माफी मांगनी पड़ती है, और वो जब बल्लेबाज को स्टंप कर अपील करते हैं, तो ऐसे वक्त में बल्लेबाज का पवेलियन जाने का वक्त हो जाता है। लेकिन क्या होगा, ये सब धोनी पर ही भारी पड़ जाए, तो आइए मेरे साथ देखते हैं। ये मूवमेंट है भारत और ऑस्ट्रेलिया के एक मैच का, जहां MS धोनी स्टंप आउट कर देते हैं ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज को, और भारतीय टीम में लेग अंपायर से अपील करते हैं, और लेग अंपायर स्टीव बकनर जनाब बैट्समैन का आउट ना देने की कसम खा के आए हैं, और बल्लेबाज को नॉट आउट करार दिया जाता है। लेकिन जब रिप्ले में देखा जाता है, और MS धोनी के दस्तानों ने अपना काम बखूबी कर दिया था। नंबर 3, आपने कई अंपायर्स को चश्मा डालते हुए अंपायरिंग करते हुए देखा होगा, और कई बल्लेबाजों को भी चश्मा डालकर बैटिंग करते हुए देखा होगा, लेकिन क्रिकेट देखने वालों को ऐसा लगता है कि चश्मों की सबसे ज्यादा जरूरत स्टीव बकनर को थी। ये लम्हा है पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच का। पाकिस्तान के स्पिनर गेंदबाज के आगे इंग्लैंड के कप्तान बैटिंग कर रहे थे। गेंदबाज की गेंद नीमी रहती है, टप्पा खाने के बाद जाकर नासिर हुसैन के पैड से टकराती है। पाकिस्तान के खिलाड़ी अपील करते हैं और उन्हें विकेट भी मिल जाता है, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज नासिर हुसैन का चेहरा साफ साफ बयां कर रहा था कि वो इस फैसले से ना खुश थे। दरअसल इसका कारण ये था कि बॉल उनके पैड से टकराने से पहले बैट के टो पर लगकर पैड से टकराई थी, जो साफ साफ नजर भी आ रहा था। लेकिन स्टीव बकनर तो ठहरे स्टीव बकनर, इन्होंने अपनी मर्जी चलाते हुए बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भले जनाब आप नॉट आउट हो, लेकिन मेरी नजर में आप आउट ही हैं।
नंबर टू, ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर ऋषभ पंत ने भारत को जीत दिलाकर कहानी लिखी थी, और इसी मैदान पर 2003 में स्टीव वॉक्स ने बेमानी की कहानी लिखी थी। ये कहानी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच की। ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी पिच पर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज आग उगल रहे थे, और सामने थे क्रिकेट के गॉड सचिन तेंदुलकर, और बॉल जेसन गिलेस्पी के हाथों में थी, और उनकी एक गेंद ऑफ स्टंप की लाइन पर पिच होती है और जो बाउंस करती हुई सचिन के पैड से टकराती है। अब क्योंकि बॉल आसानी से स्टंप के ऊपर से निकल जाने वाली थी, तो इसलिए सचिन पूरे कॉन्फिडेंट थे और वो क्रीज पर खड़े रहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया प्लेयर अपील करते हैं और स्टीव वॉक्स उसका जवाब आउट में देते हैं। दोस्तों, ना जाने सचिन के करियर में ऐसा कितनी बार हुआ होगा, ना जाने उन्हें कितनी बार स्टीव वॉक्स के गलत फैसले के चलते पवेलियन लौटना पड़ा होगा। और दोस्तों, कहा जाता है कि अगर स्टीव वॉक्स कई सारे सचिन को गलत फैसले नहीं देते, तो आज सचिन की एवरेज 60 के ऊपर होती। नंबर वन, इस मैच को इतिहास का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल मैच माना जाता है, जिसमें स्टीव वॉक्स की सन्यास की कहानी लिखी है। तो आइए पढ़ते हैं कहानी के पन्नों को और बताते हैं आपको। हम बात करने जा रहे हैं 2008 के टेस्ट सिडनी मैच की, जिसमें अंपायर्स ने ऑस्ट्रेलियन के साथ मिलकर बेमानी की सारी हदें पार कर दी। ऐसा मैं नहीं, ऐसा लोग कहते हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के एंड्रयू साइमन सिर्फ 16 रनों पर खेल रहे थे, तभी ईशांत शर्मा की एक शानदार बॉल पकड़ने के बाद बैट का एज लेकर सीधा धोनी के दस्तानों में चली जाती है, और भारतीय टीम अपील करती है, और धोनी ने तो सेलिब्रेशन भी चालू कर दिया था, लेकिन अंपायर उंगली ही नहीं दिखाते हैं और भारतीय टीम मायूस हो जाती है। एंड्रयू साइमन को ये जीवन दान मिलने के बाद वो 162 रनों की पारी खेल देते हैं, और यही पारी के चलते भारतीय टीम अपना मैच हार जाती है। स्टीव वॉक्स को दुनिया का घटिया अंपायर क्यों माना जाता है आपको पता चल ही गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें, और ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे जरूर से कर दें। और हमारी वीडियो यहां तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।